भारत के सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म वाहक ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में अपने दिल्ली सेंटर का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ भारत के रोड लॉजिस्टिक को डिजिटलाइज करने के लिए किए गए एमयू की औपचारिक घोषणा भी की गई। वाहक के दिल्ली सेंटर का उद्घाटन भारतीय रोड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में सकारात्मक बदलाव लाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के हृदय में बसे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में नया सेंटर खोलना ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज की जरूरतों के अनुरूप इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए वाहक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। हमारे गरीब ऑपरेटर जो है वो रोड पर भिखारी हो जाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि अभी उसको रोके हुए अभी तक हमने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया और हमारी यहाँ तक कोशिश रहेगी कि कम से कम 20 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करें उससे पहले नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो लागू हो ही चुकी है, गाड़ी तो उठाई रहे हैं, डीजल नहीं देते, पॉल्यूशन कंट्रोल। अभी तक कोई गाड़ी उठाई नहीं है, अभी तक हमने नहीं सुना कोई गाड़ी उठाई हो, नहीं कोई गाड़ी नहीं उठाई, कोई गाड़ी जबरदस्ती नहीं। स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी? स्क्रैप यार्ड बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है तो मालूम है हमको, लेकिन जो अपनी राजी खुशी से गाड़ी दे रहा है वो अलग बात है। जो ठीक बोल रहे हो नवीन जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, हमारी संस्था 1936 से लाहौर से बनी हुई है, आज इसको 86 साल हो गए हैं। आज हम लोगों ने वाहक के साथ MOU साइन किया है ताकि हमारे ट्रकर्स और हमारे ट्रांसपोर्टर को बेनिफिट मिल सके। इन्होंने जो स्कीम चालू की है कि जो हमारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि उनके साथ सबके साथ मेंबरशिप बना के उनको रोज का रोज जो भी माल निकलता है वो उनको मैसेज पहुंच जाता है, ट्रक वाले और ट्रांसपोर्टर मिल के उस माल को ले लेते हैं, तो उससे हमारे ट्रकर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो गाड़ियां हमारी 250 किलोमीटर रोज चलती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि 300-400 किलोमीटर चलेंगी, उससे हमारे गाड़ी को ट्रांसपोर्टर को और बहुत बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट को भी बहुत बेनिफिट होगा। जो उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% आ रही है हिंदुस्तान की, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% से नीचे आ जाए, और हम वही पूरी कोशिश कर रहे हैं इनके साथ मिलके, और ये भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी ये सहयोग करेंगे। ये जो पैन इंडिया लेवल पर सब से जितने ट्रांसपोर्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये पूरे भारतवर्ष में सभी को एक साथ लेके जोड़ा जाएगा, सभी को बेनिफिट जो भी होगा ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक और ये पूरे भारतवर्ष में इनकी शाखाएं खुली हुई हैं और पूरे भारतवर्ष में हमारे जो ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पास 90 से 95 लाख ट्रकर्स हैं और 36,000 तालुकाए हैं जो कि सारी हमारे से एफिलेटेड हैं, जो उनको सबको बेनिफिट होगा और इनको भी बेनिफिट होगा। तो हम यही चाहते हैं कि भी हमारे ट्रकर्स किसी तरीके से जो रिसेशन में चल रहे हैं वो किसी तरीके से ड्राइवर मालिक जो बेचारे आराम से खाना खा सकें और अपना व्यापार चला सके। सर, इसे बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जुड़ा हुआ है आपके साथ जिनका कोई भी नहीं होता आस पास, ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं और बहुत से उनके हेल्पर वगैरह जो भी कुछ हैं, हमारे तो उनको किस तरीके से बहुत असुविधाएं होती है उनको, जगह हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर किस तरह हमारे यहाँ इतने बेचारे ड्राइवर जो हैं वो सैनिक का काम करते हैं, आज कोविड में भी उन्होंने अपना घर बार छोड़ के सबको खाना खिलाया, जगह जगह वो गए, वो 24 घंटे काम करते रहे, वो उन्होंने अपना घर नहीं देखा, बाहर नहीं देखा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई इतनी उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको जगह अलॉट करे पूरी इंडिया में,
ताकि हम ड्राइवरों के लिए रहने बैठने खाने पीने सोने का इंतजाम हम खुद करेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमको पार्किंग प्लेस और ट्रांसपोर्ट नगर हर जगह अलॉट किया जाए ताकि हम अपने ड्राइवरों को सुविधा दे सकें, ताकि जो ड्राइवरों की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो सके। क्या है आपकी कंपनी? हमारी कंपनी का नाम वाहक है, वाहक ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट मार्केट प्लेस। सर आपने स्टैंडअप एक कंपनी स्टार्ट करी है बड़े प्रारूप में आपने, ये बहुत बड़े एक लॉजिस्टिक जो एक सब मतलब जीडीपी का जो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में 15% जीडीपी देती है उनको आपने अपने साथ जोड़ा हुआ है और बहुत बड़े लेवल पर आप उनके साथ काम करने की कोशिश में जुड़े हैं। कैसा है और इसका पूरा प्रारूप किस तरीके से है? ये आज की डेट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा सर ने भी कहा, हमारी गवर्नमेंट का पुश है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़े, और ये चीज़ अगर नहीं होती है तो हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। आज की डेट पे हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हमें अगर आज से 20-25 साल बाद फर्स्ट बनना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंट बनाना होगा। हमारे भारत में 80% लॉरी ओनर ऐसे हैं जो चालक ही मालिक हैं, उनके एक या दो गाड़ियाँ हैं और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं अपने नेटवर्क पे ग्रो करने के लिए। हम वही चीज़ एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू करना चाहते हैं। हमारे ऐप का इस्तेमाल करके छोटे से छोटा गाड़ी मालिक और छोटे से छोटा ट्रांसपोर्टर बड़े लेवल पे बड़े ट्रांसपोर्टर से कम्पीट कर पाएगा। कितने लोग जुड़े हुए हैं अब तक आपके, अब तक कितने जुड़े हुए हैं और आगे आने वाले टाइम पर कितने आपको लगता है जीवन और ज़्यादा होगा? तो हमारे ऐप में आज की डेट पे 25 लाख ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ी मालिक जुड़े हुए हैं। हमारे ऐप पे 8 लाख गाड़ियां हैं, ये पिछले 4 साल में हुआ है और अगले कुछ दिनों में हम जानते हैं कि इंडिया का ट्रांसपोर्ट मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से डायरेक्टली रिलेटेड 2 करोड़ से ज़्यादा की जनता है जो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है।